हम लाते हैं टॉप न्यूज आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ जी वालेकुम प्रोग्राम में आज खास तौर पे बात रहेगी कराची के हवाले से कराची की सियासत और कराची के मसाइल के मुतालिक मुतहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान कल पांच नवंबर को कराची में एक बड़ा जलसा करने जा रही है और मर्दम शुमारी के नतज के खिलाफ मुतहदा कौमी मूवमेंट का दावा है कि कराची की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा एक ऐसे वक्त में जब मुतहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की अपनी शुमारी घट रही है उसके अपने साथी टूट रहे हैं बिखर रहे हैं ऐसे में और इसकी ताजा तरीन मिसाल अरशद बहरा साहब हैं नासिर जमा से जमाल साहब हैं ऐसे में जबकि एम क्यू एम पाकिस्तान की अपनी शुमारी घट गई है वो मुल्क में होने वाली शुमारी के नतज के खिलाफ एक बड़ा एहतजाज बड़ा प्रोटेस्ट करने का इरादा रखती है सूरत हाल ये है कि मरदम शुमारी के खिलाफ ये जलसा ये एहतजाज महज जाहिर है एक अपेरेंटली बहाना है असल में एम क्यू एम पाकिस्तान अपने बंदे दिखाना और गिनवाना चाहती है अपनी सियासी ताकत का मुजाहरा करना चाहती है और दिखाना चाहती है उन तमाम तरह कवतों को जिनके मुतालिक वो शिकायत भी रखती है कि अभी भी कराची की असल पोलिटिकल पावर एम क्यू एम पाकिस्तान के पास है कराची में पिछले कुछ अरसे से, जिस तरह से में तूफानी तब्दीलियां कुछ नया सा आया है, हो है।, है।, है इतहाद होने जा रहा है फिर यह खबर यह अफवाह सामने आई कि एमक्यूएम के तमाम धड़े इकट्ठे होने जा रहे हैं फिर अब लेटेस्ट ये खबरें यह अफवाहें आ रही हैं कि शायद नाम तब्दील होने जा रहा है कोई नई पार्टी बन जा रही है शायद कमान की भी तब्दीली होने जा रही है जनरल मुशरफ के एक बार फिर से के कमान संभालने की अफवाहें और खबरें भी सामने आ खतरे से दो चार है ऐसे में पाकिस्तान के सबरा डॉक्टर फारूक सत्तार साहब क्या वो अपनी पार्टी बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे ये भी सवाल उठता है इसके अलावा 2018 के इंतबात मुनद होने में कुछ ज्यादा वक्त नहीं रह गया ऐसे में 18 के इंतबा के लिए एम क्यू एम पाकिस्तान कौन सा कार्ड लेके जाएगी वोटर्स के पास अल्ताफ हुसैन के नाम का कार्ड तो वो डेफिनेटली प्ले नहीं कर सकती परफॉर्मेंस अगर देखी जाए तो शहरी हुकूमत के हवाले से डिप्टी मेयर पहले ही पी में जा चुके हैं एम छोड़ चुके हैं मेयर कराची उनकी परफॉर्मेंस शहरी हुकूमत की परफॉर्मेंस कुछ खास रही नहीं तो आखिर ऐसा कौन सा कार्ड है जो कि अपने वोटर्स के पास लेके जाएगी मुतहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान यही सब सारे सवालात हैं कराची के मसाइल के हवाले से भी, भी इसके लिए आज प्रोग्राम में खास तौर पर हमें कराची से वक्त दिया है दिया है एमक्यूएम पाकिस्तान के सबरा जनाब डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने अस्सलाम फारूक सत्तार साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे और एक ऐसे मौके पे कि जब एमक्यूएम पाकिस्तान कल एक कराची की तारीख का आपके मुताबिक बड़ा जलसा करने का इरादा रखती है बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए जी बहुत शुक्रिया जी मधु करने के लिए जी सबसे पहले जो आज की एक ताजा तरीन खबर सामने आ रही थी कि फारूक सत्तार साहब जो हैं अरशद बहरा के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में जा रहे हैं क्या ऐसा क्या ऐसा है कि आप इलेक्शन कमीशन को खत लिखेंगे कि अरशद बहरा से उनकी मेंबरशिप वापस ली जाए और ये बताएं कि आप अरशद बहरा साहब को एम पाकिस्तान में वापस लाने के लिए पुरुद भी थे तो उस उम्मीद का अब क्या हुआ आ, मेरे ख्याल में आ, आ, उस रोज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से बल्कि मैं जहाँ एक पतंग मेले में था मैंने वहाँ पर अपना ओपिनियन दे दिया था कि मुझे उनके साथ मुझे मुझे बहुत एक तो शौक़ लगा था सदमा हुआ था उनके जाने का और मैं उनके लिए दुआ तो हूँ मुझे पता है कि वो बहुत परेशानी में थे बड़ी बड़े फिक्रमंद रहे थे खा, खास ख़ास तौर पे अक्टूबर के शुरू Uh, में जो केस एफ़ आई ए का उनके खिलाफ भी बना और फिर उनकी एक मरतबा इन्वेस्टिगेशन भी हुई वो एक बार एफ़ आई ए में गए भी थे और जाहिर है कि वो सारी सूरत हाल को देख कर मैंने तो हमारे पी एस पी के दोस्तों से कहा था उनका ख्याल रखे उनकी मुश्किल को हल करने की कोशिश करें तो मैंने तो मेरे ख्याल में सारी पॉजिटिव मैसेजेस दिए थे और उनका मसला हल हो जाए वो ये समझें कि भाई उनकी रूट्स यहीं हैं उनका उनका ओरिजिन यही है यही उनकी पेरेंट पार्टी है और अगर वो आना चाहते हैं तो उनके लिए दरवाजे खुले होंगे मैंने तो ये बात कही थी अच्छा लेकिन आज की खबर सामने आई कि फारूक सत्तार साहब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिख रहे हैं कि ऐसे कोई खत लिख रहे हैं आप अर्शद वोहरा की मेंबरशिप के हवाले से रुकनीत के हवाले से कल के जलसे के बाद आ, हमारा एक इजलास होगा आ, मैं समझता हूँ और उसमें हम ये फैसला करेंगे और किसी का पार्टी में वापस आना वो एक बात है और अगर उसने कोई खुद कदम उठाया है और वो खुद पार्टी छोड़ के गया है चाहे उसके जो भी इसबाब और महरिकात रहे हो अपनी जगह पर मैं समझता हूँ कि वो जस्टिफाइड होगी अगर पार्टी को ऐसा फैसला करे लेकिन ये मुशावरत के बाद ही कोई फैसला होगा तो अभी अर्शद बहरा एम एम पाकिस्तान के भी मेंबर हैं देखें जब एक, एक मेंबर खुद कह रहा है कि मैंने पार्टी छोड़ दी और दूसरी पार्टी ज्वाइन की तो पाकिस्तान के आइन में और जो पोलिटिकल ऑर्डर है उसमें दो पार्टियों की मेंबरशिप आप रख ही नहीं सकते और आपका ये अमल ही डिफेक्शन कहलाता है और उसमें डिफेक्शन की क्लॉजेस इन्वोव हो जाती है उसका इतलाक़ हो जाता है उसकी एक फॉर्मेलिटी होती है और लिखना होता है वो फैसला हम कब करेंगे वो तो जाहिर है कि हमारा एक फ़ैसला रहेगा लेकिन उनकी तरफ से वापसी का कोई अंदिया है वो अभी आएंगे उनका मसला हल हो जाएगा उस वक्त आएंगे वो क्या करेंगे ये सारी बातें तो मेरे इल में नहीं है तो पार्टी तो जो अपनी पॉलिसी है उसका तसलसल कायम रखेगी और जो फैसला जलसे के बाद करना होगा वो मैं समझता हूँ कि पॉलिसी फोरम पर हो जाएगा तो यानी कि आप ये फरमा रहे हैं कि अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फारूक सत्तार साहब ने कोई खत नहीं लिखा अर्शद वोहरा के हवाले से अभी आप कर बिना जी अभी तक कोई नहीं लिखा बिल्कुल सही बात है अभी तक कोई नहीं ओके ओके ठीक ठीक ओके ठीक है नाउ कमिंग टू द मेजर पॉइंट जो कल आपका नवंबर का जलसा होने जा रहा है एक आप लोगों ने निश्तर पार्क में किया था 22 अगस्त 2016 के बाद बड़ा जलसा किया था उसमें आप लोगों ने एम क्यू एम पाकिस्तान की जो लोकल सपोर्ट है उसको बड़े जबरदस्त अंदाज में दिखा दिया था कि अभी भी वोटर आपके पास है लेकिन इस वक्त फारूक सतासा प्रॉब्लम यह हो गई है कि कोई तीन के करीब एसपी के मुताबिक का वर्कर उनके पास चला गया है और आपके दो बड़े लोग दो बड़ी पतंगे अर्शद नासिर जमाल साहब वो भी वहां चले गए हैं तो ऐसे में शुमारी का का कल जलसा जो कि मरदमशिमारी शुमारी के, के नतज के खिलाफ है अपेरेंटली लेकिन मैं समझती हूँ कि वो आपकी सियासी ताकत का मुसाहरा होगा कितना बड़ा जलसा एक आप ये कर लेंगे वो बताइएगा मुझे कंपैरिजन होगा जो आपने 22 अगस्त 2016 के बाद निश्चर पार्क में किया था उससे कंपैरिजन होगा आप आप जी हमने जिनाड में किया था नहीं, नहीं पाक में किया था हमने तीस दिसंबर दो तेईस अगस्त के इकदाम के बाद हमारा पहला बड़ा जलसा था शो ऑफ स्ट्रेंथ थी और मेरे ख्याल में आप तो खुद वहाँ आई थी मौजूद थी और आपने उसको कवर किया था आपने देखा था और वो हमारा वोट बैंक हमारा वोटर और वो जो हमारे वर्कर्स हैं वो उनकी परफॉर्मेंस थी और उनकी यूनिटी का मुजाहरा था और उसके फ़ौर बाद एक पी एस पी का जलसा भी तिब्बत सेंटर पर हुआ था और उस वक्त भी पी एस पी की तरफ से इसी तरह के दावे हुए थे कि उस वक्त भी कोई दस हज़ार वर्कर तो उस वक्त भी वो ले जा चुके थे तो मेरे ख़्याल में वो दस हज़ार वर्कर्स थे और अब मज़ीद तीन हज़ार भी अगर चले गए हैं उनका दावा है तो मैं आपको ये बता दूँ कि उन तीन हज़ार वर्कर्स की फैमिली उनके घर वाले उनके घर के वोट इन शाल वो एम क्यू एम पाकिस्तान के एम क्यू एम पाकिस्तान का वोट बैंक इंटैक्ट है और कितने ही दावे कोई कर ले महमूदाबाद में इतने नामसाइद हालात के बावजूद लंदन के बॉयकॉट के बावजूद अगर हमने अट्ठारह हज़ार वोट लिए जबकि सरकारी आ, मशीनरी का बेदर इस्तेमाल हुआ सरकारी वसाइल का इस्तेमाल किया पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट ने तो मैं समझता हूँ कि हम तो मुकाबला भी कर रहे हैं और अब मुतालबा कर रहे हैं कि पी, -पी में जो हमारे एम चले गए जो तनख्वाह भी ले रहे हैं एक टिकट में दो मज़े ले रहे हैं जो ऐलानिया है उन्होंने कहा मुस्तफ़ी हो गए उनके सरबरा ने कहा हम लात मारते हैं ऐसी सीटों को ये तो फारुक सत्तार की भी नहीं बल्कि तो लंदन वालों की है और उनका तो ज़्यादा हदफ या निशाना भी लंदन ही हमेशा रहा है तो इस सारी सूरत हाल में वो जो सात एम पी एज़ हैं या जो भी एम पी एज़ हैं उनके इस्तीफ़े उन्हें एक्सेप्ट करा लेने चाहिए उनके एम पी एस को जो वहाँ चले गए तनख्वाहें नहीं लेनी चाहिए अलाउंसेस नहीं लेने चाहिए तो मतलब ये कि मीठा मीठा हाप कड़वा 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 थू थू सिर्फ पार्टी को कह देने से नहीं छोड़ा जाता अगर पार्टी के नाम पर आप आज भी एम पी ए हैं और आज हम मैं कहता हूँ वहाँ बाई इलेक्शन कराएं और मैं चैलेंज करता हूँ लंदन का भी कोई कैंडिडेट उतरना चाहता है उतर जाए और पी का भी उतरे हम आपस में मुकाबला करते हैं 2018 तक लोगों को इंतजार क्यों करवाएं आए ना इलेक्शंस में हम तो फेस करने के लिए तैयार तो को, को, को सत्तार साहब आप, आप कहते हैं कि अभी भी जो वोट बैंक है जो वोट पावर है जो वर्कर्स की पावर है वो आपके साथ है लेकिन ऐसा क्यों है कि, कि कराची के मुबसरीन आपसे इतफाक नहीं करते जरा साइड पर रखते हुए ये बड़ा अहम सवाल है आपका मैं ज़... इसी के साथ दूसरा सवाल भी कनेक्ट कर रही हूं इसके साथ दूसरा सवाल भी कनेक्ट कर रही हूं इकट्ठा जवाब दे दीजिएगा फारूक सतार साहब कि कल के जलसे के लिए कितना अंदाजा है आपका कि कितने वर्कर्स आपके पास इकट्ठे हो जाएंगे एक रफ एस्टिमेट जब मैं आपको कह रहा हूं कि प्लेजेंट सरप्राइज हम देंगे निश्ते पार्क के जलसे से पहले भी तो मुबसरीन इसी तरह की बात कर रहे थे कि यह पहला इम्तिहान है पहली आजमाइश है और हमारे जो लंदन के बहुत अकीदतमंद थे उनकी तरफ से भी बड़ी रुकावटें उस वक्त होती थी उस वक्त जो रियलिटी या हकीकत थी वो प्रिवेल नहीं कर रही थी उनको सारी सूरत हाल समझ में नहीं आ रही थी तो वो हमारी अपनी एक मुश्किल थी पी एस पी का होना वो उस वक्त भी उनकी मौजूदगी थी और वो तो हम तो तेईस अगस्त को अलीहदा हुए वो तो हमसे छः माह पहले तीन मार्च को कोलीहदा हो गए थे तो ये सारी सूरत हाल को बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है सियासत के जो बड़े नाम होते हैं जो मनतखब भी हो जाते हैं पार्टी के बड़े अहदे भी संभाल लेते हैं उन पर हालात का शायद ज़्यादा दबाव होता है और वो किसी भी दबाव में शायद आसानी से गिव इन करते हैं और वफ़ादारी तब्दील करते हैं लेकिन अगर आपने कल की हमारी कैंपेन देखी हो मैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में गया था लिया़त आबाद में अगर आप लोगों की मोबाइलेशन देखते हैं न्यू कराची तो मैं कहता हूँ कि मुझे इस क़दर मुझे ख़ुद खुशगवार हैरतों के तोहफे वहाँ पर मिले जब मैंने लोगों का जोश व ख़रोश देखा आप किसी भी हिस्से में पीएसपी की तैयारी हो रही है उसकी कैंपेन को कवर करें और हमारे किसी जलसे की तैयारी हो उसकी कैंपेन को कवर करें आपको कैंपेन का फ़र्क लोगों का जोश व खरोश उनका इन्वॉलमेंट ये खुद बता देगा आपको भी गरीदा और मुबसरीन को भी दो थार का इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है मैंने तो चैलेंज दिया है ना कि वो इस्तीफ़ा दिलवाएं सात आदमियों से वो भी इलेक्शन लड़े एम भी इलेक्शन लड़ती है फिर दो दो हाथ वहीं करते हैं पंजाजमा करते हैं अब फैसला कर देंगे तो हम क्यों एनकर

में इजाफा हुआ है या सियासी कद वो अपना गिरा रही है ये भी आपसे सवाल करूंगी लेकिन जरा मुझे ब्रेक पे जाने से पहले एक छोटा सा जवाब दे दिएगा कितने जलसे कितने बंदे आप तबकों कर रहे हैं आएंगे बिकॉज़ आपने कहा कराची की तारीख का सबसे बड़ा जलसा तो कितने कल वर्कर्स इकट्ठे हो जाएंगे आपके पास अंदाजन Uh, मैं अभी जवाब दू वक्फे के बाद आप अच्छा अभी जवाब दूं मैं जी आप अभी जवाब दे दीजिए सही सॉरी अभी जवाब देना चाहता अभी दे, दे।, मैं अभी दे के बाद देना चाहता हूँ मैं भी दे, देता हूँ देखिए कोई भी मुखालिफ अगर चैलेंज करता है क्लेम करता है और पी एस पी नहीं ये पीपल्स पार्टी पी टी आई जमात इस्लामी उन सबकी भी राले टपकी हुई हैं लेकिन वो ज़मीन पर गिरने से पहले ही उन्हें जो है वो हकीकत और हक नज़र आ जाएंगे कोई भी मुकाबला होगा हम तो सबको चैलेंज देते हैं कि हमारी रिवायती सीटों पर कोई भी हमसे इलेक्शन जीत कर बता दें महमूदाबाद की पी एस हमारी रिवायती सीट नहीं रही थी वाज़ है आपको मैं बताना चाहता हूँ तो मेरे ख़्याल में मुझे मेरा कद इस इन चीज़ों से छोटा बड़ा नहीं होता मेरी मेरी जो आला मेरी, मेरी जो बड़ाई है वो इसी में है कि मैं अगर कोई भी कहता है कि मेरा वोट बैंक है तो मैं कहता हूँ कि फिर आइए हम इलेक्शन में दो दो कर लेते कर लेते हैं तो इसलिए okay. कि हम क्यों तजिया निगारों पर छोड़ें तबसरा निगारों पर छोड़ें 2018 का इंतजार करें मैं तो कह रहा हूं अगर एक वोट आपका है okay. नहीं आप कहते हैं एक लाख है तो आए मुकाबला करते हैं और मुकाबले में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा मैं तो इसके लिए तैयार हूँ और इस okay. चैलेंज को कबूल करें कोई भी फारूक सत्ता एक ब्रेक ले लूं मैं बार बार फारूक सता साहब से सवाल कि कितने बंदे उन्हें तवक्को है लेकिन शायद वो इस सवाल को अवॉइड कर रहे हैं बहरहाल एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फारूक सत्ता साहब से ये सवाल भी करेंगे कि क्या एमक्यूएम पाकिस्तान खत्म हो रही है

उसका नया नाम आ रहा है और नई कमान आ रही है और शायद जनरल मुशर्रफ उसकी क्यादत करेंगे अगर आप इजाजत दें तो मैं आपको कल नबील कबूल साहब पीपल्स पार्टी के बड़े रहनुमा एम क्यू एम में भी थे किसी जमाने में उन्होंने कल आज न्यूज के प्रोग्राम रूबरू में गुफ्तू करते हुए शौकत पराचा साहब जो कि सीनियर साहब यह क्या कहा था फरुख साहब सुनिएगा फिर इसका जवाब प्लीज दे दीजिएगा जी प्ले कीजिएगा

एक दो प्रोग्रामों में ये बात वाजे कर चुका हूँ कि आ, अग, अगस्त में हमने ये इकदाम किया था पिछले साल 2016 में हम लंदन से इलीहद हुए थे सितंबर में गालिबा परवेज़ मुशरफ साहब से मेरी 45 मिनट तक गुफ्तु हुई थी उसमें उन्होंने इसी किस्म के किसी ख्याल का इजहार किया था तो मैंने उसी वक्त आ, बहुत अदब और एहतराम से उन्हें कह दिया था कि यह मुमकिन नहीं होगा कि मैं आपके साथ मिलकर कोई पार्टी बनाऊँ और उसमें पीएसपी पी के शायद मुस्तफ़ा कमाल भी आना चाहें तो आ जाएं मैंने उनको यही पेशकश की थी कि उनके उनका हमारे साथ एक ताल्लुक़ रहा है और वो ताल्लुक़ के ख़ातिर है और उन्होंने एम क्यू एम को भी और बलदियाती इदारों को जिस तरह मौका दिया मीडिया को जो जो फ्रीडम दी उन्हीं के ज़माने से तो ये वो बातें बातें हैं जो उनके अच्छे क्रीडेंशल्स हैं हालांकि उनका दौर डेमोक्रेटिक दौर एक दौर नहीं था तो इस बिना पर मैंने कहा कि हमारी पार्टी के दरवाज़े हर उस पाकिस्तानी के लिए खुले हुए हैं जो कि आइन और कानून की पाशदारी करता है पाबंदी करता है और मैं चाहूँगा कि अगर आप आना चाहें तो मेरी पार्टी में आ सकते हैं आपका एहतराम भी होगा पॉलिसी लेवल पर आपकी अहमियत भी होगी लेकिन उन्होंने कहा था कि लिए मुमकिन नहीं है एम क्यू एम पाकिस्तान में आना तो ये बात उसी व ख़त्म हो गई अच्छा अब आपने जितनी बातें बताई हैं ख्यास आरइयों की एक एक करके कि धड़े मिल जाएंगे ये हो जाएगा और अब इस तरह के वो आ रहे हैं तो जिस तरह अब तक वो वाली सारी बातें जो कि कब से हो रही हैं वो अब तक मैं समझता हूँ कि अमली तौर पर कोई ऐसी बात आपको नज़र नहीं आई तो इस बात का भी इम्कान नहीं है कि नबील गबोल कुछ भी कहें या कोई और कोई और भी कहें ये सारी बातें कुछ लोगों की या किसी की ख्वाहिश तो हो सकती है परवेज़ मुशरफ़ साहब की अपनी भी ये ख्वाहिश हो सकती है और ख्वाहिश करना ख्वाहिश रखना ज़ाहिर इस पर कोई ममानियत नहीं है ये कोई गलत बात भी नहीं है परवेज़ मुशरफ साहब के अलावा किसी और की भी ख्वाहिश है फारूक सतार साहब ऐसी बस मैं और आप मिलकर ढूंढते हैं जैसे ही आपको पता चले आप मुझे बताएं किसी और की ख्वाहिश है और जैसे मेरे इल में ये बात है ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा और आपके जरिए से आवाम के साथ भी शेयर करूँगा मैं ये बात। चले इतना बता दें कि क्या आप पे कोई प्रेशर है या आपको कहीं से कोई कन्वे हुआ कि नाम तब्दील कर दिया जाए कमान तब्दील कर दी जाए MKM पाकिस्तान की कहीं से कोई ऐसी रिसेंट ख्वाहिश का इजहार हुआ या कोई प्रेशर आप पे आया कहीं से बहुत से दानश्वर बसा औकात मिलते हैं तो इस तरह की लाउड थिंकिंग करते हैं इस तरह ख्याल के ख्याल का इजहार करते हैं तबादला तो ख्याल करते हैं और जब हम उनको किसी बात पर कायल करते हैं तो मैं समझता हूँ कि वो लाजवाब हो जाते हैं और वो हमारी जो दलाइल है वो बड़े मजबूत हैं के और मैंने एक दो और प्रोग्रामों में कहा कि इसका मतलब है कि आपको किसी कहीं किसी क्वार्टर्स कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्वार्टर से आपको नहीं, कन्वे हुआ है किसी क्वार्टर से कुछ कन्वे नहीं, नहीं, नहीं हुआ लेकिन कभी कोई बिजनेस okay. कम्युनिटी के लोग कोई बात करते हैं कभी कुछ इंटेलेक्चुअल्स इस तरह की बात करते हैं तो लगता है कि उनकी कहीं सेटिंग होती है कहीं से वो भी सुनते हैं वो भी अपना माइंड बनाते हैं फिर हमसे बात करते हैं तो हम उन्हें अपनी बात कहते हैं तो मेरे ख्याल में ये कोई ट्रैक टू डिप्लोमेसी भी नहीं कि वो किसी के बिहाफ पर बात करें कहीं से सुन के आते हैं तो वो भी शेयर करते हैं लेकिन दबाव तो है ना एक जबर तो है जिसमें वफादारियां भी तब्दील हो रही हैं लोग पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं जो मेरे लिए सदमे की बात भी है नाकाबिल फ़ैम भी है फिर जो हमें स्पेस मिलनी चाहिए जो हमारे दफ़ातर हैं डेढ़ सौ से ज़्यादा हम एक दफ्तर गुल बहद्र से काम कर रहे हैं हमारे गुलशन इकबाल में लाइन्स एरिया में हैदराबाद है मीरपुर खास है सक्कर है वहाँ के मेरे दफातर जायज है हमारी प्रॉपर्टी है वो उस उसपे सील लगी हुई है तो हमारी ये स्पेस तो हमें नहीं मिली हमारे लापता साथी नहीं हो रहे हैं और गिरफ्तारियों का तो ये 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 सारा दबाव ये जबर कहां से है पहले भी आप मतलब ये कोई नई बात आप नहीं कह रहे हैं जब आप जब एक मुतहिदा थी एम क्यू एम लंदन पाकिस्तान कोई नहीं थी तब भी आप लोग ये बात करते थे कि हम पे दबाव है जबर है वो बाद में खुल के सामने आ गया अब जब एम क्यू एम पाकिस्तान है अब भी फारूक सत्ता साहब ये कह रहे हैं तो किसकी तरफ से दबाव और जबर है देखिए मेरे लिए तो एक सियासी जमहूरी हुकूमत मरकज़ में हो और सूबों में हो तो फिर मेरे पास तो इसके अलावा कोई चॉइस नहीं कि मैं यही ख्याल करूं कि पहले शायद चौधरी निसार साहब जब वफाकी वजी दाखिला थे बहुत सारी बातें हमें कहते थे यकीन दिलाते थे ग्रिवांस रिट्रेसल कमेटी बनाने की हामी भर ली उनकी पार्टी ने लेकिन उनकी अपनी वजारत दाखिला शायद इस पर मुतफ़ नहीं हुई वो क्यों नहीं हुई उनका पॉलिसी आ, साजी किस तरह होती है वो कहाँ का मशवरा करते हैं ये मेरे में नहीं है इसी तरह सूबे में इस वक्त जो सूरत हाल में जिस तरह से दीवार से लगाया गया है कि बल्दिया उज़मा कराची के चार चार अफसरान के खिलाफ एफ आई आर कटी हुई हो छः छः अफसरान सूबे की तरफ से जो है वह मतल हो तो वह वसीम अख्तर हो या मेरे स्ट्रिक्ट के तीन चेयरमैन हो वो कैसे काम करेंगे जब अफसरान ही उन, उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे या वो डर खौफ में काम करेंगे अगर वसीम अख्तर की बात सुनेंगे तो कहीं सूबाई नाराज ना हो जाए ये कंट्रोल और एक ऊपर का कंट्रोल एक नीचे का कंट्रोल तो ये मल्टीपल कंट्रोल से तो चीजें चलती नहीं सारे दबाव ही तो है कि हमें ना फारूक बर... साहब इस मामले पे इस इस शहरी हुकूमत के इंतजामी मामले पर मेयरशिप के हवाले से मुझे बिल्कुल सेपरेट सेगमेंट में आपसे बात करनी है ठीक है क्योंकि जाहिर है आपने अपने वोटर्स के पास जाना है तो आप परफॉर्मेंस कार्ड अल्ताफ हुसैन के नाम का कार्ड तो आप

कि ये दोनों धड़े इकट्ठा हो जाएंगे और अब कोई नई एम होगी जिसको दुबई से लीड किया जाएगा देखिए जितने मुंह उतनी बातें पीपल्स पार्टी को और थोड़ा बहुत जमात इस्लामी को ए को या पीटीआई को ये सूट करता हो कि एम सही हकीकी मानों में कमज़ोर हो चुकी हो और ताकि अब जो हिस्से बकरे होने मेरे वोट बैंक के तो उसमें बहुत सारे सियासी गिध आस कराची की फाओं में सिंध के शहरों के ऊपर मंडला रहे हैं अभी, अभी इसमें तो कोई कलाम ही नहीं है तो कोई दो राय हो नहीं सकती है तेईस अगस्त को मेरे इकदाम को मेरे तमाम कारकुनों ने जिम्मेदारों ने अस्सी फीसद मेरा ढांचा स्ट्रक्चर पूरा इंटेक्ट रहा अगर उसमें कुछ लोग पी में गए और कुछ लोग अभी भी लंदन की तरफ हैं लेकिन जो लंदन की तरफ रहे वो आहिस्ता आहिस्ता हकीकत को रियलाइज़ करके उससे रिकनसाइल करके वो बहुत तेज़ी से हमारे साथ काम कर रहे हैं और okay. शामिल हो रहे हैं इसी तरीके से मैं ये भी बता दूं मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि मैं बहुत सारे उन लोगों का ऐलान नहीं करना चाहता जो पी से वापस आना चाहते क्योंकि मुझे मालूम है कि वो बहुत okay. बड़ी आजमाइश में आ जाएंगे तो हम कभी अपने मुखलिस लोगों को दोस्तों को आजमाइश में नहीं डालते जब वक्त आएगा तो ये पहिया उल्टा चलेगा जितने गए हैं उससे ज्यादा वापस भी आ जाएंगे तो बात है कि दबाव है जबर है, स्पेस नहीं एक है। ब्रेक लेनी है एक ब्रेक लेनी है मुझे और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे फारूक सत्ता साहब से सवाल करेंगे कि इस जी वेलकम बैक आफ हम बात कर रहे हैं खसूस इंटरव्यू कर रहे हैं एम के एम पाकिस्तान के सबरा डॉक्टर फारूक सतार साहब से डॉक्टर फारूक सतार साहब क्या इस वक्त जो कराची की सियासत में अपैरेंट बोन चाल है क्या आप समझते हैं कि इस्टेबलिशमेंट की कोई नई चाल है देखिए मैं तो पहले भी कह चुका हूँ कि मेरे लिए वसूख से ये कहना कि यह किसकी चाल है नहीं है ये इतना बड़ा सवाल है जो पाकिस्तान के इस वक्त सियासी जमहूरी नज़ाम के जो बड़े चौदरी हैं जो कि जमहूत जिनका उगड़ना बिछोना है दावे की हद तक और अपने इकतदार को हासिल करने की हद तक तो मैं तो एक अरसे से इस सवाल के जवाब ढूंढ रहा हूं कि शायद खाकान अब्बासी साहब बताएं कि जो एफआईए का केस बना है ऐसे इकबाल साहब बताएं कि जो एफआईए का केस अक्टूबर के शुरू में बना है तो ये फेडरल गवर्नमेंट ने ये केस बनाया है परस्यू किया है और जो मेरे तीन चार लोगों के नाम अब डाले हैं और इसका आगे क्या मकसद है ये भी एक जाहिर मेरी सियासी स्पेस पर दबाव है ये मेरी सियासी सरगर्मियों के लिए मेरे ये, ये साथी ही फिक्रमंद हैं क्योंकि आ... देखें अदालत में तो इनशाला ती हम इस केस से इस मुकदमे से भी बरी हो जाएंगे मुझे पूरा यकीन है किसी ने कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की है मैं कल भी ये कहता था आज भी मैं इसी पर कायम हूं लेकिन यह है कि वो जो बिला वजह की एक जहनी अजियत होती है घर वालों को परेशानी होती है एक आपके खिलाफ तफतीश के ऊपर तफ्तीश जो है उसका सिलसिला कायम होता है तो ये जब सूरत हाल होती है तो मैंने इन दोनों से भी ये कहा है और मैंने ऐसे इकबाल साहब को तो कहा है कि क्लियरली बता दें कि आप मुझे वजह बता सकते हैं यह क्यों हो रहा है इसका मकसद क्या है मैं समझता हूं कि मुझे पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया जा रहा है मुझे दीवार से लगाया जा रहा है और अगर कोई इसके पीछे मैसेज है तो मैं वो भी जानना चाहता हूं मकसद है मैंने सवाल खुद शाहिद खाकान अब्बासी साहब से और एस इकबाल साहब से पूछा है कि मुझे बता दें कि उनके ईमा पे हुआ वो ये तफ्तीश कर रहे हैं ऑटो पे चल पड़ी है और खुद ही खुद काम कर रहे है। अगर इतनी ऑटो पे चल पड़ी इतनी इंडिपेंडेंट हो गई है तो फिर क्या मुस्लिम लीग के लोगों पर भी भी इस तरह के जो केस होंगे, उस पर तो के के तो तो एकदम से अचानक दोबारा से आम पे आ जाना मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम लगा देना फारूक सत्तार के लंदन से अल्ताफ के बड़े बड़े लोगों का पीएसपी में चले जाना वर्कर्स का चले जाना कुछ ना कुछ तो पसे मंजर पसे पर्दा हो रहा होगा फारूक सतार साहब के कोई रबे नहीं है लंदन से अल्ताफ हुसैन साहब से मेरे ख्याल में ये तो मैंने इतनी मरतबा आ, इसकी वजाहत कर दी है कि अब ये लगता है कि जितनी सफाई हम देते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे दिल में कोई चोर है भाई जो हम बाहर हैं वही अंदर हैं जो आज हैं वही कल होंगे जो 23 अगस्त को कहा था उसी पर आज भी कायम और दायम है क्योंकि हमें यह मालूम है कि जो लंदन में सूरत हाल है वहाँ तो 22 अगस्त बार बार हुई रोज़ाना हुई तो हम तो 23 अगस्त एक बार करके ही पूरी कौम का एतमाद हासिल कर सकते हैं हम ये नहीं कर सकते कि एक बार अलग हो जाएँ फिर जुड़ जाएँ और फिर हम अलग हों हम ये नहीं कर सकते हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते और हमें मालूम है कि पार्टी अब वहाँ से चल भी नहीं चलाई भी नहीं जा सकती और अगर चलाई जाएगी तो बार बार ये खुदकशी वाले इकदाम होंगे बार बार ये हादसे होंगे अब हमारा वोट बैंक इसका मुतहम नहीं हो सकता वो सुकून के साथ सियासत करना चाहते एक साफ सुथरी सियासत एक पढ़े लिखों की सियासत एक नॉन वायलेंट नॉन अदम अदम की सियासत उसको लेकर हम खड़े हो गए नो लुकिंग बैक टू नो फारूक मामला यह है मामला यह है कि आप जितनी बार वजाहत करते हैं कि आपका लंदन से कोई रबा नहीं है अल्ताफ हुसैन साहब से कोई रबता नहीं है उतने ही शिद्दत से आप पर यह इल्जाम फिर लगते हैं क्या कहीं पर कोई मिसट्रस्ट है क्या कहीं पर कोई एतमाद का भरोसा है या मामला ये है कि साफ छुपते भी नहीं सामने आते भी नहीं क्योंकि जितना आप, आप ताल्लुक खत्म कर दिया तो हमने अगर वहां से आ, कोई मुगल निजात आई कोई बदतजीबी की गई हमारी बहनों और बेटियों तक को धमकाया गया तो हमने कहा कि यह नाजरों ना की तहजीब है ना मैं समझता हूँ कि दुनिया को कोई चार्टर इस बात की किसी को इजाज़त देता है कि वो किसी के किरदार पर किसी की बहनों और बेटियों को लेकर कोई बात करें तो मैं समझता हूँ कि इससे तो उसका कद छोटा होता है इससे तो अगर लोगों के दिलों में कोई इज्जत और कदर रहती भी है तो वो भी जाती रहती है तो ये तो वो लोग फैसला करेंगे हमने तो लोगों पर लेकिन मैं बताऊँ कि ये बार बार उन पे इल्ज़ाम इसलिए भी आता है कि कुछ लोगों की सौ फीसद सियासत का दारो मदार इसी इल्ज़ाम को कायम और दायम रखने में वरना उनकी सियासत

तीन uh, नवंबर आपने भी भुगता है हमारे प्रोग्राम में नईम उलह साहब से पाकिस्तान तरीके इंसाफ के तर्जुमान उनका कहना था कि तीन नवंबर वाले इकदाम पे जनरल मुशर्रफ को अगर सजा होती है तो वो भी की जा सकती है लेकिन नवाज शरीफ साहब को करप्शन केसेस पे माफी नहीं मिल सकती मैं आपको सुनाना चाहती हूँ फिर आपका तबसरा इस पर लूंगी क्योंकि जनरल मुशरफ साहब आपकी कमान संभालेंगे पार्टी की इसकी भी अफवाहें आ रही हैं सुनवाइएगा जी नई मुल साहब ने क्या कहा था इन in सारे आज आज जो कि नवंबर था, दस साल हो गए 2007 की 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 इमरजेंसी को जा रही थी कि पाकिस्तान तरीक की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आएगा या इमरान खान जो आज में जलसा कर रहे थे वहां पे कुछ बात करेंगे लेकिन कोई बात ऐसी नहीं की गई के हवाले सच्ची बात तो यह एहसास नहीं था आपने याद दिलाया कि तीन नवंबर में देखिए जनरल मुशरफ ने पाकिस्तान का आइन दो दफा तोड़ा और उनको तो चाहिए था कि कानून जो है वो अपनी पूरी इस हवाले से कार्रवाई मुकम्मल करता अगर उनको सजा भी हो जाती तो उनको माफ भी किया जा सकता था मगर कानून की कार्रवाई होनी जरूरी थी जो ये नवाज शरीफ की कमजोरी है कि उन्होंने मुशरफ साहब को बाहर जाने दिया मुकदमा मुकम्मल किए बगैर आप आपके सवाल आपके जवाब से मुझे एक सवाल आखिरी मेरे पास टाइम बहुत कम रह गया आपने कहा कि अगर जनरल मुशरफ को सजा हो जाती तो उन्हें माफ भी किया जा सकता था तो अगर नवाज शरीफ को सजा हो जाती है तो उन्हें माफ करेंगे आप नहीं नहीं मैं इसमें मैं ये कह रहा हूँ कि कानून इस बात की इस कानून में पाकिस्तान के आइन में इस बात की गुंजाइश है के सदर पाकिस्तान के पास इख्तियार हैं कि वो बड़ी से बड़ी सजा को तो नवाज भी नवाज शरीफ के जो के भी जुरा ना, वो नाकाबिले और उसकी वजह आपके नजदीक जनरल मुशरफ को माफी मिल सकती है नवाज शरीफ साहब को नहीं मिल सकती जनरल मुशरफ इस पर एक मैं समझता हूँ इस वक्त आपका जवाब इसलिए नहीं दूंगा की ये इस पर एक ऐसी तफसी बहस की जरूरत है जिसमें बहुत सारे प्रोजन कौन है इस वक्त तो कौम का मुतालबा यह है कौम का मुतालबा यह है कि नवाज शरीफ को सजा मिलनी चाहिए भी सुना होगा क्या जनरल मुशर्रफ साहब को माफी मिल सकती है आ, ये जो नईमुल हक साहब ने कहा आपके प्रोग्राम में तो ना नईमुल हक सजा दे सकते हैं ना माफ कर सकते हैं उनकी अपनी कोई राय कोई राय तो हो सकती है ना तो मेरे ख्याल में सारी बातें पाकिस्तान में आइन और कानून के मुताबिक होनी चाहिए आइन की बालादस्ती हो क़ानून की हुक्मरानी हो तो आपके टॉक शोज़ का भी बहुत सारा वक्त बच जाएगा बहुत सारे सवाल आपको भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी रूल ऑफ़ लॉ की बात का इतलाक़ सिर्फ मेरी जमात पर होता है और और मैं रूल ऑफ़ लॉ को मैं तोड़ दूं, तो वो क़ानून शिकनी नहीं है कोई और तोड़े तो उसकी गिरफ्त होनी चाहिए असल में हम बहुत उलझ गए हैं अपनी सत्तर साल की जो मर की पॉलिटिक्स और सियासत है जिससे कि सियासी बरदरी आखिर में आके इतनी कमज़ोर हो जाती है कि कोई भी ताले आज़मा आता है और वो टेक ओवर कर लेता है तो असल में बात है कि सियासी बरदरी इन बुनियादी चीज़ों पर कितनी जुड़ी हुई है और इसके लिए गुजशतर नौ सालों से अब जो जमहूरियत चल रही है पहले पीपल्स पार्टी और अब पी एम एल एम तो इन्होंने क्या किया इन दस सालों में सारी सियासी जमातों को इन चीज़ों पर वेरी वैलिड पॉइंट इस एक अलग से डिबेट के लिए आपके साथ इंटरव्यू रखेंगे लेकिन मेरे पास चूँकि खत्म हो रहा है मुझे अब ये बताइए कि दो हज़ार अठारह के खबात में अपने वोटर्स के पास कौन सा कार्ड लेके जाएंगे मेयर की परफॉर्मेंस इस वक्त तक इतनी अच्छी नहीं कि आप 2018 में उसको शो ऑफ कर सकें मेरा वोट बैंक इतना باشुूर है कि उसको मालूम है कि मेयर की परफॉर्मेंस अगर उस हद तसल्ली बख्श नहीं है और तीनों चेयरमैन भी उतना परफॉर्म नहीं कर सके जितना उन्हें करना चाहिए था तो उन्हें यह मालूम है कि किन लोगों की वजह से जाहिर है कि उन लोगों को तो वोट देने का सवाल ही नहीं होता वो ये भी समझते हैं कि हमारी सबसे बड़ी आजमाइश 22 अगस्त के बाद ये है कि क्या बानी और कायद जो 22 अगस्त से पहले थे उनसे अलग हो जाने के बाद ये जो 35 साल की मेहनत को बचाया गया सबको यकजा रखा गया यकजहती और इतिहाद को कायम रखने के लिए एक एक वोटर की अब ज़िम्मेदारी है कि वो वोट डालकर उस यकजहती और इतहात को कहात को कायम रखे क्योंकि उसकी बका सलामती और पाकिस्तान की बका सलामती कराची के अमन इसकाम को लेकर और उनके आ, के हल का कोई इम्कान और आ, इसके अलावा उनके मुस्त रोशन और महफूज मुस्कबिल की जमानत अगर किसी बात से जुड़ी हुई है मशरूत है तो वो उनकी यकजहती और इतहाद है यही वोट बैंक वोड बैंक की साइकी है यही वोट बैंक की जरूरत है अगर यकजा रहे यकजहती रही तो ये सारे मसाइल भी हल होंगे बहुत अच्छा वक्त भी आएगा और हम अभी कुछ डिलीवर अगर नहीं कर सके तो आगे इससे ज्यादा डिलीवर करेंगे ये वो समझते हैं इस बात को ठीक है जी बहुत बहुत शुक्रिया एम सबरा डॉक्टर फारूक सत्ता सा साहब आज खसूस इंटरव्यू में हमारे साथ मौजूद थे प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया टुमारो